आज की इस वीडियो में हम क्रोम ऐप की एक ज़बरदस्त सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, जिसकी मदद से हम किसी वर्ड या शब्द के बारे में आसानी से सर्च कर सकते हैं। सिर्फ उसको एक बार टैप करना है और आप आसानी से उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसके बारे में सर्च कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो सेटिंग कौन सी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट है smarttips.ooo के नाम से। देखिए हमने अपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है। अब जैसे देखिए मैं ईमेल आईडी को यहाँ पर एक बार टैप करता हूँ। देखिए टैप किया, यहाँ पर टैप करता हूँ एक बार, टैप किया, देखिए अभी कुछ नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी देर इसको टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट हो जाता है कॉपी, शेयर और सेलेक्ट होल्ड के हमें तीन ऑप्शन यहाँ दिखाई देते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता है हमें। बॉटम साइड में भी हमें कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो अब हमें इस वर्ड को सर्च करना होगा, तो हमें कॉपी करके फिर सर्च बॉक्स में जाके इसको सर्च करना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको हम इनेबल करने के बाद किसी भी वर्ड को हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ऊपर उसके लिए हमें ऊपर राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा स्क्रॉल करके सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सिंक एंड गूगल सर्विसेज का। अगर आपके क्रोम एप्लीकेशन में ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको पहले प्ले स्टोर पर जाकर अपने क्रोम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना होगा, उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो हमें सिंक एंड गूगल सर्विसेज पर क्लिक करना है। इस पर टैप किया, टैप करने के बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है टच टू सर्च, यानी कि हम जिसको सर्च करना चाहते हैं उसको सिर्फ एक बार टच करेंगे और उसको हम सर्च कर लेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल पता लगा लेंगे। तो हमें इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इस पर टिक किया और यहाँ पर देखिए ऑफ है, हमें इसको इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। जैसे हम ऑन करेंगे उसके बाद हम बैक जाते हैं और बैक गए। बैक जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें, जैसे हम ईमेल आईडी को एक बार टैप करते हैं, देखिए ईमेल ये सेलेक्ट हो गया है और नीचे यहाँ पर देखिए बॉटम साइड में ईमेल भी लिखा हुआ आ गया है। तो हमें इसको सिर्फ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और या इसके बारे में तमाम जितने भी सर्च थे वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे, तमाम जानकारी हमें इसके बारे में मिल जाएगी। तो इसको फिर से हाइड करने के लिए हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है और ये फिर नीचे हाइड हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम इस ऑप्शन की मदद से इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद हम किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।